जी गुड इवनिंग एवरीवन, होप हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुदा से दुआ है कि आप हमेशा ठीक रहें। तो जनाब आज हम फिर वीडियो बना रहे हैं, तो सोचा आज की बातें जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं मैं वो सीरियस भी है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। वो इस तरह से कि आप ये देख रहे हैं सारा शेड, बाकी डिटेल मैं बताता हूँ आपको। हमने थोड़ी ट्रेनिंग की थी कि जो मुर्गे थे हमारे पास हमने सेंटर में कर दिए थे और मुर्गियां लेफ्ट राइट कर दी थी। तो आप देख रहे हैं कि मुर्गे अभी भी हमारे पास है, जबकि सिर्फ इनका जो था हमारा प्लान वो सिर्फ 90 डेज़ का था। तो आज इनको तकरीबन 90 डेज़ के ज़्यादा बल्कि 110 दिन हो चुके हैं, 3 महीने और 20 दिन का जानवर हो चुका है, मगर स्टिल अभी भी हमारे पास है मुर्गे। उसकी रीज़न मैं आपको बयान करता जाता हूँ, जिस पर मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जानवर की केयर बहुत ज़रूरी है। तो इस साल फार्मर्स का बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वायरल डिजीज़ आई। जैसे कि ये डिजीज़ ऐसी हैं कि फार्मर को इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, जैसा कि NDIB और फिर H9, इस तरह की इसको उर्दू में कह लें जी, रानी खेत आ गई, दूसरी आ गई, इन बीमारियों का मैटर चलता रहा। अब ये देखें, इनका हमारे पास होने का पर्पज़ यही था, इनको हमने 90 डेज़ पे बेचना था, पर हम नहीं बेच पाए, और उसकी रीज़न ये थी इसलिए नहीं बेच पाए। थोड़ा सा ये इनको हम नहीं बेच पाए, तो उसकी बेचने की ना बेचने की रीज़न ये थी कि इन बीमारियों की वजह से इनकी ग्रोथ में कमी आ गई। लेट्स सपोज अगर ये 80 दिन की एज पे थे ना, अगर ये 900 ग्राम के या 1000 ग्राम के, तो 90 दिन की एज पे जाते जाते ये डिक्रीज हो गया, इनका वज़न लॉस हो गया, इनका वज़न लूज़ हो गया, और ये 1200 ग्राम 1100 ग्राम से 200 ग्राम नीचे आ गए। इवन के ऐसा भी होता है कि ये नीचे आ गए, ना कि स्टॉप कर जाते कि इनकी ग्रोथ आगे ना होती, वहीं पर स्टॉप कर देते, ये नीचे आ गए, जिसकी वजह से हम इनको सेल आउट नहीं कर पाए। तो खैर अब खुदा का शुक्र है कि बहुत बेहतरी है चीज़ों की तरफ। आप देख रहे हैं माशाल्लाह दोबारा जानवर वेट में आ चुका, और दूसरा गर्मी ने इनका इतना बुरा हाल किया, गर्मी इतनी ताबड़तोड़ थी कि बयान नहीं है उसके बारे में, बहुत शदीद गर्मी रही जिसकी वजह से जानवरों में मसला रहा और जानवरों ने वज़न नहीं किया। गर्मी में आप जो मर्ज़ी कर लें, सिर्फ आप इनको मेंटेन कर सकते हैं कि इनको रोका जाए वज़न डिक्रीज़ करने से। आप इनको मल्टी विटामिन पिलाएं, विटामिन ई सेल पिलाएं, जो भी जितने भी विटामिन आप इनको पिला सकते हैं वो पिला के रखें। तो खैर अब दोबारा जानवर वज़न में आना शुरू हो गया जी, ये देख रहे हैं आप जानवर सामने खड़े हैं सारे। तो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, इसमें गर्मी में मोर्टेलिटी भी काफ़ी हो जाती है, तो कोशिश करें इन दिनों में गर्मियों में जितनी गर्मी पड़ती है शदीद, उनमें विटामिन ज़रूर इनको पिला के रखें और इनकी एक्स्ट्रा केयर करें, शेड साफ़ सुथरा हो, परेशानियों से बचाओ, ये बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसा कि हमने रेत नीचे बछा दी हुई है, वो भी नॉर्मल सी लेयर होती है। मैं आपको मुर्गे दिखाता था, तो मुर्गे माशाल्लाह बहुत बेहतर हो चुके हैं, इनका वज़न बहुत बेहतरी की तरफ मायला। तो बीमारी बहुत बुरा हाल करती है, जैसे इंसान का करती है वैसा ही करती है इनका भी, जब बीमारी आ जाती है तो जानवर का रिकवर होना उसमें। खैर ये वो हैं जो, और बीमारी के बारे में पहले बताता हूँ, वैक्सीनेशन जो होती है ना, वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन बस सिर्फ आपका ये करती है कि जब अगर कोई बीमारी आती तो उसको कंट्रोल करती है, वैक्सीनेशन ना हो तो वो सारे का सारा शेड उजड़ जाता है। अगर वैक्सीनेशन हुई हो तो वो बीमारी कोरेबल होती है, कंट्रोलेबल होती है, काफ़ी बेहतरी आ जाती है उससे, मगर अगर वैक्सीनेशन ना हुई हो तो फिर जनाब अल्लाह ही हाफिज़ होता है। तो खराब जनाब ये सेंटर में मुर्गे किए हैं जी हमने, अब मुर्गा दोबारा माशाल्लाह वेट में है, तो खुदा खैर करे अभी भी उस आइडियल वेट पे नहीं है, अभी 10-12 दिन हम इनको रखेंगे। गोया के एक्सपेंस तो बहुत बढ़ गया है, मगर इनको हम रखेंगे, तो ये आगे चलेंगे, अभी 10-12 दिन और भी हैं, उसके बाद हम इसको चलो बेचेंगे और मुर्गी को सेपरेट करेंगे। और रही बात मुर्गी की, मुर्गी अब इस वीक में अंडा नहीं तो अगले 10 दिन में अंडे आने शुरू हो जाएंगे, कुछ मुर्गियाँ अंडे दे देंगी। तो ये मुर्गियाँ हैं जी सारी लेफ्ट साइड पर, एक सेक्शन मुर्गियों का, ये मिडल में मुर्गों का, और जैसे वो एंड पे आपको नज़र आ रहा मुर्गियाँ, उधर भी लेके जाता हूँ दोनों सेक्शन में आपको। तो बीमारी के ये रिजल्ट हैं आफ्टर बीमारी इफेक्ट, कि जानवरों की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क आया। अब हम आपको लेके चलते हैं जी उधर, ये मुर्गियों वाले सेक्शन में लेके जाता हूँ मैं आपको। ये हमारा फ्री रेंज है जी, जो बंद किया हुआ है फिलहाल। शेड में जाने का प्रोटोकॉल है जी, भोला जी ने फॉलो किया हुआ है।
ये जनाब हम आ गए मुर्गियों के सेक्शन में। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह मुर्गियाँ देखें जी, मुर्गी माशाल्लाह 900 1100 के वेट पर पहुँच चुकी है और अगले 10 दिन में ये 1200 ग्राम पे पहुँच जाएगी। तो जब मुर्गी जब अंडा देना शुरू करती है तो 1100 से 1200 ग्राम तक की मुर्गी अंडा देती है, कुछ 1100 ग्राम की भी दे देती हैं तो, मगर 1100 से कम की मुर्गी अंडा नहीं दे पाती। तो इसमें मुर्गियाँ जनाब तकरीबन 1100 पर पहुँच चुकी हुई हैं और अंडा अगले 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा लेडी सेक्शन जा रहा है जी, ये देखें मुर्गियों की हालत देखें, मुर्गियाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब इनका ये है कि 16वां हफ्ता ख़त्म हो चुका है, 17वां स्टार्ट हो चुका है, इसमें इनको कल EDS वैक्सीनेशन वगैरह भी लग जाएगी जो अंडे के लिए होती है, तो चीज़ें बेहतरीन तरफ और मायल होती जाएंगी। ये जानवर आप देख रहे हैं तो जानवर माशाल्लाह काफ़ी रिकवर है जी, ऐसा नहीं है कि आप कहें जी जादू है, फेक बात फेक होती है, बीमारी जब हवा में आती है तो वो आती ही आती है, इसका आए बिना गुजारा हो ही नहीं पाता, तो वो आती है और गुजर के उसने जाना जाना, ये तो एक वो होती है आफत होती है, जब आई है वो तो उसने गुजर के जाना ही जाना है। तो खैर खुदा का शुक्र है जी, हम तो बहुत सेफ रहे बहुत सेफ रहे। ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि शायद अभी भी भरा पड़ा है, खुदा का शुक्र है। तो ये वही था, ये देसी फीड है, थोड़ा सा देसी तरीके से पलते हैं, मॉडर्न फीड रेंज में जाते हैं, उस तरह से हमें अटैक नहीं कर पाई बीमारी ना। तो ये सारी केयर है, सारी मैनेजमेंट है, अगर आप टाइमली इसको मैनेज करते रहेंगे तो चीज़ें बेहतरीन तरफ माइल होती जाती हैं। इसमें ये देखिए एक मुर्गा घूम रहा है और इसमें मुर्गे हैं, एरर है थोड़ा सा, बाकी प्लीज़ इसीलिए आपको मैं अपनी तकरीबन दूसरी तीसरी वीडियो में गाइड करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा जब भी आप अपने इस काम को स्टार्ट करना चाहें तो प्रॉपर कंसल्टेंसी के साथ, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, वैसे नहीं करना। और किसी वीडियो में बजट को भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग चाहें कि क्या बजट कॉस्ट आती है इन पे, किस तरह से होता है, क्या होता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि एक 5000 का फ्लॉक को लेकर चलना हो तो कितने पैसे चाहिए, 10000 का फ्लॉक हो तो कितने जानवर पैसे चाहिए, और अगर उनको अंडे पे लेके जाना है या अर्ली बेचना है अर्ली स्टेजेस पे, तो वो भी सारा डिस्कस करेंगे। तो ये सारा है, अब आपको इस जानवरों की भी शायद दिखा दी हमने, आपका तीसरा सेक्शन अब आपको मैं दिखाता हूँ जो थर्ड वाला सेक्शन है हमारा, उसमें लेके जाता हूँ, वो भी मुर्गियों का है। दो सेक्शन मुर्गियों के, एक सेक्शन मुर्गों का है, ये लास्ट वाला है, ये मुर्गों का फिर आ गया सेंटर वाला, अब शुरू वाले में जाते हैं, वो भी मुर्गियां हैं। ये भी मुर्गियां थी हमारी, ये आप देख सकते हैं मुर्गियों का साइज़ माशाल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, मगर इनको अब तक अंडा दे देना चाहिए था, वो रीज़न यही थी कि जो वायरल डिजीज़ आई उनसे ये रिकवर होना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, तो मगर ये कर चुके हैं रिकवर, थोड़ी सी इनकी ग्रोथ कम होगी, वरना नॉर्मली जो फार्म में कमर्शियल लेवल पर पाली जाती हैं मुर्गियाँ वो 110 से 100 दिन में अंडा दे देती हैं, 100 से 110 डेज़ में अंडा दे देती हैं वो, मगर ये थोड़ा आप यूँ कह लेंगे जैसे इंसान है कि बीमारी में जब होता है तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है जब, तो ये वही है। तो अब खुदा का शुक्र सारा जानवर एक्टिव है और बहुत बेहतर कंडीशन में है, सब ओके है, खुदा का शुक्र है, थैंक्स गॉड। मुर्गियां देखें माशाल्लाह, और तो ये है, आप बात ये है कि जब इस तरह का मैटर हो या शेड में कोई भी आप ढीला जानवर या बीमार जानवर देखें तो आप उसको सेपरेट करें, जैसे ही अगर आप शेड का काम करते हो आपको एक हॉस्पिटल टाइप एक खाना बनाना चाहिए, जैसा कि हमने भी बनाया हुआ है। अब मैं हॉस्पिटल वाले जानवर भी आपको दिखाता हूँ कि जो हॉस्पिटल में ये जनाब हमने तीनों सेक्शन देख लिए हैं, अब हम बाहर जा रहे हैं जनाब, ये देखें ये जानवर घूमता है, केला ये ठीक हो चुका है, इसको मसला था गर्दन का, वो गर्दन घूम जाती है 360 पे 390 पे, समझ नहीं कोई नहीं आती इसको, इसको किधर जाना किधर नहीं जाना। ये जो बाहर घूम रहे हैं इनको फ्री रेंज इसलिए दिया हुआ है कि ये खुले धूप में खुले आसमान के नीचे जनाब घूमें फिरें और ये बेहतरीन तरफ माइल हो जाएंगे। ये हॉस्पिटल है जी हमारा, इसमें जानवर ये हॉस्पिटल के हैं, ये हमारे डेरे की लुक है जनाब, तो देख सकते हैं
ये सारे हॉस्पिटल के जानवर, ये देखें इसकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी है आपको नज़र आ रहा हो तो। सो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर देखेंगे और लाइक करेंगे। ये आपको करीब से मैं इसकी थोड़ी सी बीमारी का मसला दिखाऊँ। ये देखें जानवर की नेक, देखें किधर को जा रही हो, ये देखें ऊपर आसमान की तरफ हो जाती है। ये मसला है, ये हॉस्पिटल में जानवर, इनको शेड में नहीं रखना चाहिए, इनको बीमार जानवर को हमेशा सेपरेट होना चाहिए। वो सामने जानवर खड़ा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें उसकी नेक सीधी नहीं हो रही गर्दन, तो ये मसला है। तो उम्मीद करते हैं जी आप सब खुश रहेंगे और आज की वीडियो आपको पसंद होगी, लंबी ज़रूर होगी है। सो थैंक यू वेरी मच जी, अब खुश रहें, बात रहें, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन।